नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं। ये थर्ड पार्ट है। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसमें समझने वाली बहुत सी चीज़ें, हम धीरे धीरे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला काम, हमें रेलगाड़ी और बस की चाल पता करनी है तो हम उन्हें एक्स और वाई पहले मान लेते हैं। मान लो रेलगाड़ी की चाल बराबर एक्स किलोमीटर प्रति आवर और बस की चाल बराबर वाई किलोमीटर प्रति आवर। अब क्वेश्चन में हमें दो केसेस दिए गए हैं तो मैं यहां पर एक बीच में लाइन लगा रहा हूं दोनों केसेस की। ध्यान से देखना बच्चों, 300 किलोमीटर कुल दूरी है, इसमें से 60 किलोमीटर वह रेलगाड़ी द्वारा चली, तो डिस्टेंस बटा टाइम, स्पीड सॉरी, डिस्टेंस बटा स्पीड, रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है एक्स। ये टाइम का फार्मूला है, डिस्टेंस होता है स्पीड गुना टाइम, तो यहाँ से टाइम कितना होगा डिस्टेंस बटा स्पीड। इस फार्मूले को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। रेलगाड़ी से वह 60 किलोमीटर चढ़ी, रेलगाड़ी की थी स्पीड एक्स, 60 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 60 बटा एक्स, इतना टाइम उसको रेलगाड़ी से लगा। इसी प्रकार से अगर 300 में से 60 किलोमीटर वह रेल से चली तो बाकी कितना रह गया 240। 240 डिस्टेंस वह कैसे चली, बस से, डिस्टेंस बटा स्पीड, बस की स्पीड कितनी है वाई। ये दोनों टाइम आए हैं, ये रेल का टाइम, ये बस का टाइम, दोनों टाइमों को मिला दो तो उसको कितना टाइम लगा देखो, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। इन दोनों टाइम्स को प्लस कर दोगे तो 4 आएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। रेल से वे चली 60 किलोमीटर, डिस्टेंस बटा स्पीड है एक्स, तो 60 बटा एक्स, ये हो गया टाइम, रेल का टाइम। डिस्टेंस बटा स्पीड बस की, ये हो गया बस का टाइम, दोनों टाइमों को मिला दो उसको 4 घंटे लगे। इसी प्रकार से दूसरी बार यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली, इसका मतलब डिस्टेंस हो गया 100, रेलगाड़ी की स्पीड है एक्स, ठीक है जी, प्लस शेष बस में देखो कुल दूरी है 300, उसमें से 100 रेल से चली, तो इसका मतलब बस से कितना चली 200, बस की स्पीड कितनी है वाई। ये दोनों टाइमों को मिलाकर अब उसे कितना टाइम लगा है, अब उसे टाइम लगा है 10 मिनट अधिक। अब ये 10 मिनट अधिक यानी जो पहले टाइम लगा था उससे 10 मिनट अधिक, पहले कितना टाइम लगा था 4 घंटे, तो इसका मतलब ये कि अब उसको लग गए 4 घंटे और 10 मिनट। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 4 घंटों में हो गए 6 × 24, 240 मिनट प्लस 10 मिनट यानी कि 250 मिनट। यदि इसको घंटों में बदल दे तो 60 से भाग कर देंगे क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 25/6। इसका मतलब ये हुआ कि 4 घंटे 10 मिनट को हम लिख सकते हैं 25/6 घंटे, तो ये आ गया 25/6। ये ना समझ आए ना, एक बार दोबारा इस वीडियो को देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा। ये दो समीकरणें हमारे पास बनी हैं, इन्हें हमें हल करना है, लेकिन सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, फिर पुट 1/x बराबर a, 1/y बराबर b, इन दोनों ही समीकरणों में, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं, पहली समीकरण 60, 1/x की जगह a, दूसरी यहाँ है 240, 1/y की जगह b बराबर 4। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं 100, 1/x की जगह a प्लस 200, 1/y की जगह b बराबर
25 बटा 6, ये रफ वर्क है। आइए अब हम इसे आगे हल करते हैं। आगे हल करने के लिए बच्चों यहां चार है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से चार कॉमन ले लेते हैं। 60 को चार से भाग कर दिया तो आया 15 ए, 240 को चार से भाग कर दिया तो आया 60 बी। हम ऐसा भी कर सकते थे कि 60 के पहाड़े में ये भी 60 है, ये भी 240 है, दोनों 60 के पहाड़े में आते हैं, तो सीधा ही 60 कॉमन ले लो। तो यहाँ 60 कॉमन ले लिया, बाकी बच गया ए प्लस 240 को 60 से भाग कर दिया, बाकी रहेगा 4 बी बराबर 4। तो यहाँ से ए प्लस 4 बी किसके बराबर आ गया, 4। 60 इधर गुना हो रहा है, इस ब्रैकेट के साथ उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 4 से 60 कट गया 15, तो ये आ गया 1/15। इसी प्रकार से यहां देखते हैं, ये 100 ए है, ये 200 बी है, दोनों ही 100 के पहाड़ में आते हैं, तो हम 100 कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी बच गया ए प्लस, यहां से 200 को 100 से भाग कर दिया तो आया 2 बी बराबर 25/6। तो यहां से ए प्लस 2 बी बराबर 25/6, 100 यहां इस ब्रैकेट के साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 25 को 100 से काट दो 4, तो यह आ गया 1/6 × 24। यहां से एक इसके बराबर होगा 1/15, 4 भी यहां प्लस हो रहा, उधर आके हो जाएगा माइनस, तो यह आ गया 15 का लघुत्तम ले लो, 1 − 15 × 60 बी, ये ए की वैल्यू आ गई। इस ए की वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। यह है ए प्लस 2 बी, ए की जगह लिखो 1 − 60 बी/15, आगे है प्लस 2 बी बराबर है 1/24 के, हम इसे हल करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 15 और 1 का लघुत्तम आ जाएगा 15, 15 को 15 से भाग किया 1, 1 को ऊपर गुना करेंगे तो आ जाएगा 1 − 60 बी प्लस 15 को 1 से भाग किया 15, 15 को ऊपर 2 बी से गुना कर दिया तो आ गया 15 × 30 बी बराबर 1/24। अगले स्टेप में 1 माइनस प्लस माइनस, 60 में से 30 बी निकाला, 30 बी साथ में साइन बड़ी रकम का माइनस 15, ये 30 बी है बराबर 1/24। इसके बाद इन दोनों को हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 24 को 1 से गुना किया तो 24 माइनस, 24 को 30 से गुना किया तो ये आ गया 24 × 72 720 बी बराबर 15 × 15, माइनस 720 बी बराबर 15, 24 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, बी बराबर 24, 15 माइनस 24 होता है माइनस 9, माइनस 720 इधर बी के साथ गुना हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा भाग। अब आप ध्यान से देखिए, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 × 9, 9 × 8 = 72, हमारा पेन थक गया है, 9 × 8 = 72, पीछे 0, इसका मतलब बी की वैल्यू आ गई है 1/80। ये बी की वैल्यू हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 3 में ए बराबर 1 − 60 × बी, बी है 1/80 बटा नीचे है 15, इसे हम हल करेंगे। देखिए नीचे है 15, इसको ऐसे ही रहने दो, 80 और 60 ये आपस में कट जाएंगे, 0 से 1 0 कट जाएगा,
दो के पहाड़े में दो तिया छे, दो के पहाड़े में दो चौके। तो ऊपर जो है 80 की जगह बच गया 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, तो एक और 4 का लघुत्तम आ गया 4, 4 को 1 से भाग किया 4, ऊपर 1 से गुणा किया 4, माइनस 4 को 4 से भाग किया 1, 1 को ऊपर 3 से गुणा किया 3। ये देखिए ये बन गया 4 माइनस 3 होता है 1/4/15, तो ये हो जाएगा 1/4, नीचे 15 से गुना होके बन जाएगा 60, 1/60। तो ए की वैल्यू आ गई है 1/60। अभी हमारे पास ए और बी आया है, हमें चाहिए एक्स और वाई। तो देखिए 1/x बराबर था, 1/x बराबर था ए के, तो 1/x बराबर ए, ए है 1/60। क्रॉस मल्टीप्लाई इनको करेंगे, एक्स एकम एक्स बराबर 60 एकम 60। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स की वैल्यू आ गई है 60। इसी प्रकार से हम यहां देखते हैं 1/y किसके बराबर है। देखिए क्वेश्चन के शुरू में 1/y किसके बराबर है, b के बराबर। तो 1/y बराबर b, b अभी हमने निकाला देखो 1/80। क्रॉस मल्टीप्लाई y 1 से मल्टीप्लाई होगा y बराबर 80, 1 से गुना होगा तो 80। इस प्रकार से x आ गया 60 और y आ गया 80। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल निकालो। तो मैं लिखता हूं यहां पर रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर एक्स किलोमीटर प्रति आवर, और एक्स अभी हमने निकाला है 60, तो रेलगाड़ी की चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति आवर। इसी प्रकार से बस की चाल है, शुरू में हमने लिखा था बस की चाल बराबर वाई किलोमीटर प्रति आवर, और वाई अभी हमने निकाला है 80, तो 80 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन था रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल निकालो, तो ये है रेलगाड़ी की चाल और ये है बस की चाल। फिर से बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप देखेंगे हम धीरज से यदि धीरे धीरे अपना काम करते रहें और बिना गलती के आगे बढ़ते रहें, मैं भी धीरे धीरे लगा रहा और हमने ये देखा कि हमने इस क्वेश्चन को अंत तक हल करके अपना उत्तर निकाला है। तो आपने भी यही सीखना है कि चाहे क्वेश्चन जितना मर्जी मुश्किल हो, लंबा हो, आपने हिम्मत नहीं हारनी और ऐसे ही क्वेश्चन को हल करना है। यदि आपको हमारे द्वारा की गई ये मेहनत अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आया हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।